और जो भी हजरात वजू वगैरह कर रहे हैं उससे तमीज कि वो भी जल्द से मस्जिद तशरीफ लाए और अल्लाह उसके रसूल के फरमाने और तुझको की सिरत से चंद बातें समाप्त करके अपनी दुनिया और आखिरत संभालने की सलाह फरमाए। तो गुज़िश्ता जुमा की मुबारक में हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से मैंने चंद बातें आपके गुज़िश्ता की। आज फिर उसी जुमले में बारगाह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह चंद कलमात हासिल करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जब 7 साल की जो आपकी उम्र थी और मक्का शरीफ गए और फिर वापसी हुई, उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपना गुजार कर जब जवान हुए तो जवानी में अपने बगदाद शरीफ में वापस आकर आईना साजी की दुकान कायम की और उसी दुकान में एक पर्दा डाल दिया और पर्दा डालकर दुकान में जो आईने की दुकान बनाने की थी उसमें पर्दा डाले रहते और रोजाना उसी दुकान में 400 रुपया दिन भर में अदा फरमाते। ये हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वो इबादत का दौर था। और कुछ अरसे के बाद आपने फिर दुकान को खैराबाद कहा और हजरत सैयदना सैयद सत्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह के मकान के उजरे में तशरीफ ले और वहीं गोशा नशीन हो और उस गोशा नशीन में 30 साल तक मुसलसल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाते रहे और रात भर फिर इबादत में मशगूल रहते। और 40 साल के बाद ये ख्याल आया और कभी कभी वो वहमो गुमान मैं और आपको भी हो जाता हो तो जुनैद बगदादी का ख्याल सुने और अगर ऐसा ख्याल आए तो हमें और आपको हम सबका अपने अपने एतबार से हिसाब करना चाहिए। ये बुजुर्गों का तर्ज अमल रहा है। हजरत जुनैद बगदादी को ख्याल क्या आया वो गौर से सुने। फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि अब मैं मेराज कमाल तक को पहुंच गया हूं यानी अब मैं मुकम्मल हो गया कामिल हो गया। ये ख्याल मुझे अब फरमाते हैं कि वो ख्याल आना ही था कि गैब से निदाई ए जुनैद अब वो वक्त आ पहुंचा है कि तेरे गले में जुन्नार डाल दिया जाए यानी जो गैर मुस्लिम लोग होते वो दौरा लटकाते हैं उसके बारे में ये गैब निदा थी। कहा तेरे गले में वो जुन्नार डाल दिया जाए। जैसे ये सुनाना तो अर्ज किया ए बारी ताला मुझसे क्या खता सरसद हो गई यानी मेरा कसूर क्या है तो जवाब मिला अभी भी तेरा वजूद बाकी है यानी तूने ये ख्याल किया ना कि मैं कामिल हो गया तो ये लफ्ज मैं जो है ना उसमें तेरा अभी वजूद बाकी है। उसके बाद ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने एक सर आह भरते हुए कहा जो बंदा विसाल का अहल साबित न हो यानी अल्लाह तक पहुंचने का अहल साबित न हो सका उसकी तमाम नेकियां गुनाहों में दाखिल कर दी जाए। अब ये कहकर आप खामोश हो गए। अब ये उनको कहा जा रहा है जिन्होंने 30 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी हैं। ये उनसे कहा जा रहा है जिन्होंने गोशा नशीन इख्तियार करने से पहले दुकान में 400-400 रुपए नमाजें पढ़ी हैं। उनको भी ये ख्याल गुजरता है ना तो उनको ये जवाब मिलता है। अब हमारा और आपका तो कौन सी लिस्ट में नाम होगा वो हम मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हमें और आपको ये सब कुछ गुमान हो जाता है कि यार आज तो मैंने जुमा पढ़ ली आज तो मैंने ये नमाज पढ़ ली अल्लाह के लिए। ये गुमान अगर हमारे और आपके बीच में आ गया तो हजरत जुनैद बगदादी को जो जवाब मिला ना उस पर हमें और आपको भी गौर करना चाहिए कि हमारा किस लिस्ट में नाम दाखिल कर दिया जाएगा। और आगे सुने उसके बाद कुछ लोगों ने आप पर एतराज़ किए और हर जमाने में जो सच्चे लोग रहे हक़ लोग रहे दीन के सच्चे दाई रहे खादिम रहे खास करके उलमाए किराम तलबाए किराम और वो मुबल्लिगीन इस्लाम और जो भी दीनी कार्यों में अंजाम देते हैं जैसे कोई मस्जिद का ध्यान रखता है कोई अपने कब्रिस्तान का ध्यान रखता है कोई जमात का ध्यान रखता है तो वो सब के लिए बेहतरीन पैगाम है। आप फरमाते हैं कि
कुछ फितना परवर लोगों ने मुझ पर कुफ्र तक के फतवे लगाए और इतना फितना बर्पा कर दिया यहाँ तक के बादशाह के यहाँ मेरी अर्जी को बैठने लगे और उन्होंने कहा कि जुनैद पर आप मतलब एक्शन लीजिए और बाकायदा उनका विरोध कीजिए। आप फरमाते हैं कि मेरी शिकायत के लोगों ने खलीफा तक कर दी, खलीफा को भी कर दी, लेकिन खलीफा ने कहा कि जब तक इनके खिलाफ कोई बात साबित ना हो जाए कि ये लोगों को फितना और फसाद में डालते हैं, मैं सजा देना ये मुनासिब नहीं समझता। एक मरतबा खलीफा ने जो है आपका इम्तिहान लेना चाहा, यानी ये सारी बातें आती थी आपके पास कि जुनैद ऐसे हो गए, जुनैद ऐसे हो गए, जुनैद ये कर रहे हैं, जुनैद वो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इस अंदाज में लोगों ने फितना फैलाने की कोशिश की और जुनैद बगदादी का इम्तिहान खुद खलीफा ने एक मरतबा इम्तिहान लेना चाहा। और इम्तिहान के उस जमाने में बड़े बड़े होते थे, आज भी हम और आप सब आजमाइशों में, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आजमाइशों में मुब्तला न फरमा कर बगैर आजमाइशों के अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्त अता फरमाए। हर जमाने में बड़ों बड़ों की आजमाइशें हुई, वक्त का खलीफा है और खलीफा ने आजमाइश के तौर पर इम्तिहान के तौर पर एक हसीन और जमील कनीज यानी औरत को हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में भेजा और उसको हर तरह से सजा रजा कर और मुजय्यम और मुस्तफा करके भेजा और सामने उसके साथ में एक गुलाम को भी भेजा कि जाकर देखना होगा क्या। अब ये औरत हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदीने में दाखिल हुई और साथ साथ में वो गुलाम भी, जैसे ही सामने हाजिर हुई और सामने हाजिर होती ही उसने नकाब लग दिया और उसने कहा मैं एक अमीर जादी हूं, आप अगर मेरे साथ मेरी तमन्ना अगर पूरी कर लें तो मैं आपको दौलत से नवाज दूंगी। ये जुमले कनीज ने जो बादशाह ने भेजी थी उसने कहा और वाकिया की नौयत मालूम करने के लिए जो कनीज के साथ जो गुलाम भी भेज दिया था तो वो भी पीछे खड़ा था, देख रहा था। जब कनीज ने खलीफा की हिदायत के मुताबिक सामने आकर ये इजहार किया, बस अभी ये इजहार करना ही था कि आपने सर झुकाकर बदकामी के अपने कोशा नशीने में सर झुकाकर एक ऐसी सर्द आह खींची कि उस कनीज ने वही दम तोड़ दी। यानी वो औरत जो बादशाह ने भेजी थी इम्तिहान के लिए, आपने सिर्फ एक आह दी वो वही खत्म हो गई, इंतकाल कर गई। जैसे ये गुलाम ने देखा ना कि ये औरत तो वही मर गई, फौरन दौड़ा हुआ खलीफा के पास पहुंचा और खलीफा को सारी बातें उसने पेश कर दी। खलीफा को भी बड़ा सदमा हुआ क्योंकि इनकी कनीजों में, खलीफा की कनीजों में ये बहुत ही महबूब कनीजा थी, उसको भी सदमा हुआ और उसके बाद वो अफसोस करता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, यानी हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि ये बात आपने किससे गवारा कर ली कि इतनी हसीन और जमील औरत को आपने एक आह भरकर दुनिया से किनारा कश कर दिया, यानी उसको मार दिया आपने। उस वक्त आपने जवाब दिया था अमीरुल मोमिनीन आपका तो काम यह है और आपका तो फरीजा यह है कि तुम मोमिनों पर मेहरबानी करो और आपका फर्ज ही यही है कि आप मोमिनों के साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन आपने मेहरबानी के बजाय मेरी 40 साल इबादत को मलिया मिट करने के लिए ऐसी औरत को भेजा था, इसलिए मैंने एक सर आग खींची और उसको खत्म कर दिया। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ऐसे दो गुजरे हैं। आज तो पूरी दुनिया में अच्छे हो, बुरे हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, सबके लिए ये बहुत बड़ा फितना बनकर रोनुमा हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ इसको कन्वर्ट करके हमारे और आपकी निगाहों के सामने लाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत जुनैद बगदादी के सदके में अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज फरमाए। मनकूल है कि आपका जब मरातिब में मतलब इजाफा होता गया तो आपने वादो नसीहत को अपनी सेवा बनाया, यानी लोगों को नसीहत करना ये अपना तर्ज़े अमल बनाया। एक मजमे में आपने वाज किया और जैसे ही वाज किया था तो लोगों ने कहा कि आप तो वाज नहीं करते थे, आपने वाज क्यों किया, यानी तकरीर क्यों शुरू कर दी। उस वक्त हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया फरमाया कहा सुनो, मैंने ऐसे ही वादो नसीहत का काम शुरू नहीं किया बल्कि मुझे 30 अवतार बेहद मुश्किल थे मुझ पर और साथ साथ में मैंने तकरीबन 200 बुजुर्गों के झूठे सीधे किए हैं, तब जाके मैं वास के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। अब आप अंदाजा लगाए
30 अवतार इस श्राण में कि तुम्हें वाज कहो नसीहत कहो। दोस्तों बुजुर्गों के साथ में उन्होंने संगत में दिन बिताए, उसके बाद उन्होंने वाज कहा। और एक रिवायत ये लिखी है कि हजरत सैयदना सिद्ध सत्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बार इरशाद फरमाया था, जुनैद अब तो बहुत बड़े वाकिफ और फाइज हो और वाज तो नहीं कहते। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह ने इनकार किया, मना किया। जब मना किया बार बार मना करते रहे तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि उसी शब्द मुझे सरकारे दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और हुजूर ख्वाब के आलम में फरमाए जुनैद अब बात और नसीहत कर रहा हूं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। जैसे ये हुक्म दिया सुबह हुई हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि मिंबर की तरफ पड़े, हजरत सैयदना सिद्ध सत्ती रहमतुल्लाहि अलैहि तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया जुनैद तूने मेरे कहने पर तो वाज न किया लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, इससे मिंबर की तरफ आ गया। और हजरत सिद्ध सत्ती ने जब ये कहा ना तो आपको कैसे मालूम, कहा जब रात में मैं सोया तो मैंने हुजूर को देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद हुजूर को यूं फरमा रहा है कि महबूब आप जाओ और मेरी तरफ से जुड़े को कह दो कि लोगों को वाज और नसीहत किया। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह की शान है कि उन्होंने जिंदगी में वाज और नसीहत का काम जो शुरू किया तो ये भी बुजुर्गों की अता से और उनके इशारे पर किया। और अपने न जाने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई आपके इशारा निशान के होते, हालांकि हमारे और आपकी फैमिली से बहुत अलग होते हैं लेकिन चल इशारा तो कल कर देता हूं फिर इंशाल्लाह बाकी बचा तो इंशाल्लाह आएगा। आप फरमाया करते थे कि तमाम मदारिज सिर्फ और सिर्फ फाका पशी करके दुनिया और शब बेदारी से हासिल हुए, यानी आपके इस इशारे आगे हमें खुद गौर करेंगे तो आप फरमाते हैं कि जितना ज्यादा बंदा भूखा रहेगा उतने ही वो मुरादी पाला जाएगा और दुनिया को तर्क करेगा। अब दुनिया का तर्क करने का मतलब ये नहीं कि काम धंधा बंद कर दें, नहीं, बल्कि कम से कम इतना जरूर करें कि दुनिया की मशगूलियत कहीं हमें अल्लाह उसके रसूल की याद से गाफिल ना कर दे। तो इस अंदाज से तर्क दुनिया करें। और फिर फरमाया शब बेदारी। अब शब बेदारी का माहौल हम और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ चंद रातें आती हैं उसमें हमारी और आपकी शब बेदारियाँ होती हैं, वरना उसके अलावा तो शब बेदारी वाला माहौल अब ना किसी मदरसों में नजर आता है, न इदारों में नजर आता है, न मस्जिदों में नजर आता है, न खानकाहों में नजर आता है, न दरगाहों में नजर आता है। अब बड़ी दूर हम और आप सब जा चुके हैं, शायद कोई ऐसे नसीब मिल जाए कि अल्लाह ताला साल में कहीं ना कहीं मौके अता फरमाए और उसमें अगर कोई शब बेदारी कर लें तो ये उसके मुकद्दर की बात होगी। तो ये एक इशारे आगे मैंने आपके सामने पेश किया और फिर इंशाल्लाह अल्लाह फिर भी वक्त में बरकत रही इंशाल्लाह फिर आएंगे इसी इशारे आगे के तहत आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर की तौफीक अता फरमाए और सरकार जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। चंद जरूरी अनाज समाप्त।